बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई एम योर मैथ्स टीचर। आज मैं आपको मैथ की बुक का पेज नंबर 129 का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आप अपनी बुक ओपन करेंगे और इसके क्वेश्चन पर देखेंगे। लुक एट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। आपने इस डायग्राम के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देखे हैं, देखने हैं। देन लुक एट द कलर्ड पार्ट। फिर आपने इसका कलर्ड पोर्शन देखना है। राइट द फ्रैक्शन दैट इज़ कलर्ड। तो आपने यहाँ पर फ्रैक्शन लिखनी है। इसकी फ्रैक्शन होती है, मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। इसकी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, वन पेज नंबर 125 के लास्ट में, 1/2, 1/4 एंड 1/3 आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस। ये एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शंस की। अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ होल दैट इज़ कट इनटू इक्वल पार्ट, जो कि इक्वल पार्ट्स में कट किया गया हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इस डायग्राम को देखना है। इसके नॉमिनेटर होता है वो ऊपर वाला पोर्शन फ्रैक्शन का, और नीचे वाले इस डिजिट्स को, यहाँ पर फिगर को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। वन यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि वन इसका कलर्ड पार्ट है और टोटल इसके पार्ट्स हैं 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, मींस के जो कलर पोर्शन है वो हम लिखेंगे ऊपर 1, 2 एंड 3 और जो टोटल पोर्शन है 1, 2, 3, 4, 5 डायग्राम के टोटल पोर्शंस नीचे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 ऊपर लिखेंगे नॉमिनेटर, 1, 2, 3, 4 डिनोमिनेटर इसका है 4। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 ऊपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। इस डायग्राम में 1, 2, 3, 4, 5 1 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया इसका 5। इसी तरह से इस सर्कल के टोटल पोर्शंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1 by 12 1 इसका नॉमिनेटर और 12 इसका डिनोमिनेटर। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर आएंगे। लुक एट द फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन की तरफ देखें एंड कलर द फिगर्स। हमने इसके नॉमिनेटर जितने होंगे, नॉमिनेटर जो है यूँ है, मतलब के 3, 1, 2 एंड 3 हमने इसके 3 इसके ब्लॉक्स जो हैं उनमें हमने कलर करना है। कलर आप कोई भी अच्छा सा लेकर, ब्राइट सा, आप इसमें इसके 3 ब्लॉक्स में आप कलर करेंगे। और इस तरह से बिल्कुल कोई उसका वाइट पोर्शन आपने नहीं छोड़ना, बहुत प्यारा स्मूथ कलर करेंगे। और इसको शॉर्प करेंगे और इसको यहाँ पर इसके 3 ब्लॉक्स आपने कलर करने हैं। 3 इसलिए करने हैं कि हमने ये 3 ब्लॉक जो हैं हमारे नॉमिनेटर को शो कर रहे हैं। और आप इसको यहाँ पर इस तरीके से कलर करेंगे और नीचे जो नेक्स्ट है इसका पोर्शन, उसमें आप कोई भी और कलर लेकर यहाँ से, यहाँ नॉमिनेटर है 1, आपने इसका कितने ब्लॉक 1 आउट ऑफ 2 1 ब्लॉक आप इसका कलर कर देंगे। और इसको बहुत स्मूथली आप बहुत प्यारा प्यारा सा इसमें कोई भी ब्राइट सा कलर, अच्छी शेड्स, ब्राउन, ब्लैक ये यूज़ नहीं करेंगे। और इस तरह से आप इसमें कलर कर लें। नॉमिनेटर है इसका 1 एंड डिनोमिनेटर है इसका 2। जो फुल ब्लॉक्स हैं वो डिनोमिनेटर को शो करते हैं और जो कलर ब्लॉक है वो है
नॉमिनेटर। अब यहाँ पर 5 है तो हम इसमें से 5 इसके 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम इन ब्लॉक्स को हम कलर कर लेंगे बहुत प्यारे शेड लाइट ग्रीन लेकर। पिंक भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, कोई भी अच्छे से लाइट ब्लू ले सकते हैं। मींस के डार्क शेड्स मत यूज़ कीजिए जो आँखों को ज़रा ये ज़रा ज़्यादा नीट भी लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ये था हमारा आज का काम, इसे बहुत प्यारी राइटिंग में अपनी कलर भी बहुत अच्छे और ये देखिए दोनों कलर्स तीनों कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अच्छे अच्छे कलर यूज़ कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।